डील नो कॉम्प्रोमाइज, वजीर आजम ने किसी डील या समझौते के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। बाबर अवान से मुलाकात में कहा, एहतसाब यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल तवज्जो कश्मीर पर है। उधर इमरान खान नैब के अख्तियारात में कमी पर राजी, बड़ी तरामीम रवा हफ्ते फाइनल होने का इम्कान है। कानून में तरमीम और काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, काबीना अरकान नैब पर बरहम नजर आए। नैब ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस की GIT रिपोर्ट पर आज 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर जाली अकाउंट्स केस तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल, नैब की 15 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। टीम मजीद शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात को हतमी शक्ल देगी। भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा शहर साफ कर दो, उतना जो तुम्हारा काम है वो कर दो बस। पूरी कोशिश की जाएगी एक महीने में बहुत सारी जगहों से ये कचरा उठा लिया जाए। सिंध हुकूमत का 21 सितंबर से साफ सुथरा कराची मुहिम शुरू करने का ऐलान। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एक माह में कचरे के अंबार खत्म कर देंगे। मुर्तजा वहाब बोले, तमाम अजला के लिए 5-5 करोड़ मुख्तस कर दिए। अली जैदी ने कराची को नुकसान पहुंचाया, वो अपनी सफाई मुहिम रोक दें। वफाकी वजीर कानून मुसलसल पीपल्स पार्टी के निशाने पर, मुराद अली शाह भी फरोग नसीम पर बरस पड़े। कहा, वफाकी वजीर वजाहत के लिए मिलना चाहते हैं, मगर जब तक वो मुआफी नहीं मांगते कोई मुलाकात नहीं होगी। इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, सबको पता है 3 माह में कराची को किस तरह गंदा किया गया। सिंध असम्बली में फरोग नसीम के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका, न्यूयॉर्क में तारीखी इस्तकबाल करने का फैसला। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की ओवरसीज ग्लोबल फाउंडेशन के वफ्द के साथ मुलाकात। सिख फॉर जस्टिस के नुमाइंदगान भी मुलाकात में शरीक। मुस्लिम और सिख कम्युनिटी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनरल असम्बली के बाहर मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान अमन का देश, भारत में मुसलमानों पर मजालिम के बरक्स पाकिस्तान में अकलियतें और उनकी इबादतगाहें महफूज। करतारपुर राहदारी मंसूबा कायदे आजम के विजन का अक्कास। सिख बरादरी की उमंगों के मरकज करतारपुर मंसूबे पर 86% काम मुकम्मल हो चुका। हुकाम का कहना है, बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन से पहले कॉरिडोर 9 नवंबर को खोल दिया जाएगा। कीमत 66.2 डॉलर फी बैरल हो गई। पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात यकीनी। यकुम अक्टूबर से पेट्रोलियम कीमतों में 5 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। मसला शाम पर रूसी, ईरानी और तुर्क सदर की मुलाकात। तीनों सदूर का कहना है कि मसला शाम जंग नहीं, सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। हसन रूहानी का कहना है कि सऊदी तेल तंसीबात आरामकों पर हमला यमन की तरफ से जवाबी रद्द अमल है। वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार नासिर बट की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। जज की मुबैना वीडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए थे। हाई कमीशन हुकाम ने रिपोर्ट वसूली की बजाय वारंट गिरफ्तारी थमा दिए। दूसरी जानिब जज वीडियो केस की तफ्तीश काउंटर टेररिज्म विंग के हवाले। जज अरशद मलिक ने दरख्वास्त दी थी कि FIA साइबर क्राइम विंग ने तफ्तीश मेरिट पे नहीं की। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग में कटौती। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का आज मुल्क भर में तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान। एकेडमिक एसोसिएशन का कहना है, फंड्स में कटौती से 200 जामियात माली बहरान का शिकार हो गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए अबाया लाजमी करार देने की तरदीद। शौकत यूसुफजई कहते हैं, हुकूमत ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिर्फ हरिपुर के एजुकेशन ऑफिसर ने अबाया पहनने का नोटिफिकेशन जारी किया, उनसे वजाहत मांगी गई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूँ पाकीज़ा ज़ाहिद। मैं हूँ हमजा तारड़। हेडलाइंस आपने जानी। नैब की मौसर कार्रवाइयों से हुकूमत भी तंग आ गई है। वफाकी वज़ीरा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नैब कवानीन में तब्दीलियों के लिए वज़ीर आज़म को भी राम कर लिया है। गुज़श्ता 10 माह से मैं अपने लिए अपने आप को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किसी फेस को नहीं देखा, हमने सिर्फ फेस को देखा है। ये जो आखिरी इनिंग मैं खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यादगार इनिंग रहे। नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी घबरा गई। वफाकी वज़रा इस कदर परेशान हैं कि काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के सामने नैब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़रा ने नैब की कार्रवाइयों को बेकाबू और बेहंगम करार देते हुए नैब के निचले सतह के अफसरान पर करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद कर दिया। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म के सामने मौकफ अपनाया कि नैब अफसरान के पास व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ तहकीकात करने की इस्तेदाद भी नहीं। नैब की 2 साल कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म को नैब कानून में तरामीम पर रजामंद कर लिया। ज़रा के नैब कानून में बड़ी तरामीम रवा हफ्ते मुकम्मल कर ली जाएंगी। इन तरामीम के जरिए मालम जब्बा और पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे समेत मुख्तलिफ मंसूबों से वाबस्ता निजी कंपनीज को नैब तहकीकात से इस्तस्ना मिल जाएगा। मंसूबों में मुबैना बेजाब्तियों में मुलव्वस ब्यूरोक्रेट्स भी नैब कार्रवाइयों से बच जाएंगे। सरकारी अफसरान के खिलाफ माली फवायद हासिल करने के सबूत मिलने तक नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों के दौरान नैब ने करप्शन के खात्मे के लिए मुअस्सर कार्रवाइयाँ की। 71 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए, 640 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, 1469 शिकायत की तस्दीक मुकम्मल की, 9400 इंक्वायरीज, 4122 इन्वेस्टिगेशन की, 3813 अफराद को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने की बना पर गिरफ्तार किया गया। मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा। हुकूमत के खिलाफ फाइनल मार्के के लिए अपोजिशन की सफ बंदी जारी है। शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की। वजीर आजम से बाबर अवान की मुलाकात में कानूनी मामला पर सलाह मशवरे किए गए। मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा। हुकूमत के खिलाफ फाइनल मार्के के लिए अपोजिशन सफबंदी करने लगी। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर यात्रा में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या राजो नियाज किए, सबके जहनों में कई सवालात मचलने लगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च के लिए सरगर्म किरदार निभाने के लिए राजी कर लिया, या शहबाज शरीफ अभी भी मुफाहमत की राह पर गामजन रहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ की कोट जेल में हुई नवाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानब हुकूमती हलके भी अपोजिशन का मुकाबला करने की भरपूर तैयारी में है मसरूफ। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में हुई बाबर अवान की मुलाकात, सियासी कानूनी और आईनी मामलात पर दोनों रहनुमाओं ने किया आपसी सलाह मशवरा। वजीर आजम ने बाबर अवान को कह दिया कि अपोजिशन से किसी किस्म की डील नहीं होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। वजीर आला सिंध से कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम भी पूछताछ करेगी। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और जाली बैंक अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तलब कर लिया है। वजीर आला सिंध से नैब कराची के दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। मुराद अली शाह से नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम पूछताछ करेगी। नैब हुकाम मुतलका केस में पहले ही साबिक सदर आसिफ अली सरदारी समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ 6 रेफरेंसेस दाखिल कर चुकी है। दीगर मुलजमान में ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और उनके बेटे बैंकर हुसैन लवाई और सिंध बैंक के मौजूदा और साबिक सदूर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुआविने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कश्मीर कौम की बका का मसला है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोली, कौम देख रही है। सियासत के चैंपियन कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, जुल्म को मिटाने के लिए तमाम मकातिब फिक्र को इकट्ठा होना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बातल और हक की जहाँ जहाँ जंग आएगी वहाँ बातल हमेशा मिटने के लिए होता है और हक जो है उसकी हमेशा फतह होती है। कि जुल्म जो अब बढ़ता है तो हमेशा मिट जाता है। 72 घंटे के अंदर उसका सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है। आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है,
ब्रसल के अंदर पहली दफा कश्मीर उनके झंडे पे आया जहां बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हिंदुस्तान का बयानिया था उसको मरियमेट कर दिया। आपने कौमी काज के लिए कौमी बयानिया के साथ खड़े होके जिस तरह अपने मौकफ को दुनिया में पहुंचाने के लिए यहाँ यकजहती का मुजाहरा किया, मैं आपके इस जज्बे को सलाम पेश करती हूँ।